नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसेस शंकु एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द 12th केमिस्ट्री। जो आज का टॉपिक है यानी कि जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 12th केमिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड या फिर बोल सकते हैं एनसीईआरटी सिलेबस है। चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम देखेंगे इसका तीसरा टॉपिक, दैट इज सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे मालूम है कि ये टॉपिक मैंने बी से उठाया है, बट डोंट वरी, मैं सीरियल वाइज यानी कि सीरीज में यानी कि चैप्टर लेके जाऊंगा जो भी छुटा हुआ है हमारा बीच में, कि रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे लिखना है और काफी सारी चीजें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। बट एक किसी का कमेंट आता है कि सर आप सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लीजिएगा, तो मैं उसी के लिए उसी को लेके आया हूँ एक्चुअली, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि हमारे प्लेलिस्ट का नाम है या फिर चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें तमाम टॉपिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सॉल्व क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को बता सकते हैं, ठीक है। जो भी 12th केमिस्ट्री या 11th केमिस्ट्री में, क्योंकि 11th केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं, 12th केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं, ठीक है, ओके। आप इससे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है एक्चुअली में इंजीनियरिंग बेस्ड है, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन योर एक और सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैंने नाम ले लिया, फ्लूइड मशीन्स करके है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, हीट ट्रांसफर है, मैंने तमाम सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप ये लेके आइए और आपकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो थैंक्स फॉर दिस। ये सब आप ही का प्यार है जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं, समझाने के हिसाब से, यानी कि जो भी कंटेंट मेरे को लगता है मेरे को लेके आना चाहिए मैं उस हिसाब से लेके आ रहा हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है हमारी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ था, प्लीज आप डोनेट कीजिएगा जो भी आपको ठीक ठाक अमाउंट लगे, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, ओके। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ज्यादा टाइम लेते हुए, दैट इज योर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात करेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं। देखिए कुछ सर्टन कंडीशंस में, कुछ देखिए जब भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन की कंडीशन में अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी वजह से इसको नाम दिया गया सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, क्लियर हो गया, इसी वजह से इसका नाम दिया गया सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। इसमें दो एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ये जो रिएक्शन है, जब भी आप कभी बीएससी केमिस्ट्री करेंगे या 12th केमिस्ट्री अब अगर आप कर रहे होंगे, अगर आप प्रैक्टिकल्स देखेंगे आपके, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए आपको एसिड बेस टाइट्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यही दो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट जो एग्जांपल है, और एक इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर, उसका भी एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। जब इसको समझा रहा होगा तो मैं वो पे लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि कीन शुगर का इन्वर्जन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सबसे पहले ये देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट मतलब क्या है। देखिए इथाइल एसिटेट जो एक तरह का एस्टर है, यहां पर लिख देता हूं, ये एक एस्टर है CH3COOC2H5, ओके, पानी के साथ इसे रिएक्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब ये जो एच प्लस आयन है ये दिया जा सकता है कोई भी एसिड से, सपोज HCl का यूज कर लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। और यहां पर हमें बदले में क्या मिला, एसिटिक एसिड, यहाँ पे लिख लेता हूँ एसिटिक एसिड, जो आपकी मम्मी नॉर्मली अचार में यूज करती है, बहुत डाइल्यूटेड होता है, ठीक है, 5%, तो उसी का यूज किया जाता है, ओके, और साथ में इथाइल एल्कोहल। अभी देखिए इसमें खास बात क्या है, तो मैंने ऑलरेडी ये बोला कि जब हम रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 1 बन जाता है, ओके, तो इसी को हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ओके। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, देखिए ये जो रिएक्शन है ये पहले तो आपको ये गौर करना चाहिए, मतलब ये इंश्योर करना चाहिए कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम कोई भी बैलेंस इक्वेशन, मतलब जिसको बोलते हैं रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री, अगर रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री आपकी ओके है, वो तब ओके होगी जब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एक मोल इथाइल एसिटेट, ये देखिए ये एक्चुअली में तो एस्टर है, जनरल नेम इसका एस्टर है, बट पर्टिकुलर नेम बोलेंगे इथाइल एसिटेट है, ये पानी है, ये एसिटिक एसिड है, ये इथाइल एल्कोहल है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री देख लेते हैं, इथाइल एल्कोहल, क्लियर, ओके। अब इसमें लिखेंगे हम रेट एक्सप्रेशन भी कैसे लिखते हैं वो भी गौर कीजिएगा, ओके। तो रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री ये बोलती है कि एक मोल, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, उसके बाद मैं ये रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री देख रहा हूं कि एक मोल इथाइल एसिटेट को एक मोल पानी लगता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक मोल इथाइल एसिटेट को एक मोल इथाइल एसिटेट बदले में प्रोडक्ट कितना देगा, एक मोल
एसिटिक एसिड देगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक मोल क्या बोलते हैं इथाइल एसिटेट आपका एक मोल एथेनॉल देगा। अब ये वन कहां से पता चल रहा है, एक मोल कहां से पता चल रहा है, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे वन है, ठीक है, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, यहां पे वन है, आप समझ सकते हैं। वैसे वो नहीं दिया रहता, वैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, अब इसमें एक चीज थी कि हाँ, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले मोल तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं ना, वन मोल ऑफ इथाइल एसिटेट CH3COO C2H5, ओके, तो कितना मोल ये एसिटिक एसिड देगा, एक मोल ही देगा CH3COOH, ये रिलेशन में लिखने के लिए बोल रहा था, या फिर आपको समझ गया होगा। वैसे ही मैं अगर एक मोल इथाइल एसिटेट आपके पास है, मतलब ये एक टाइप का रिलेशन है जो आपको कैसे मिलेगा, जब आपका रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड होगा, ठीक है। ओके, तो एक मोल इथाइल एसिटेट और क्या देगा, ये एक रिलेशन इसने दी है कि अगर आपके पास एक मोल है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो आप रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से जान सकते हो, तब जब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो। ओके, और यही एक मोल इथाइल एसिटेट एक मोल एथेनॉल भी देगा, यहाँ पे मोल लिखना रह गया है, तो वन मोल, ओके, तो वन मोल एथेनॉल C2H5OH, हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ओके, जब टाइम इक्वल टू जीरो था, मतलब अभी आपने रिएक्शन नहीं किया है, तब आपके पास एक्चुअली में ये तो आपने रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से देखा कि हर एक मोल इथाइल एसिटेट को, ठीक है, वो कितना प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, एक मोल ये और एक मोल ये, क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन ना हो, एक मोल इथाइल एसिटेट एक मोल वाटर के साथ ही रिएक्ट होगा, ऐसा स्टोइकोमेट्री बोलता है, ठीक है, जब रिएक्शन बैलेंस हो। बट आपको दिया कितना इथाइल एसिटेट, 0.1 मोल दिया है, मतलब जब टाइम इक्वल टू टी जीरो था, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब इथाइल एसिटेट कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल दिया हुआ है। मान लीजिए ये सारा रिएक्शन पर लीटर में चल रहा है, यानी कि इथाइल एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल लीटर ले लीजिए, बट मैं लीटर का जिक्र नहीं करूंगा, आप यही समझ लीजिए कि सारी चीजें 1 लीटर में हो रही है, वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर का है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल पर लीटर, ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, तब आपका जो इथाइल एसिटेट है वो 0.1 मोल है। ओके, अब आपको मालूम है रिएक्शन स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है, कि अगर एक मोल इथाइल एसिटेट है तो पानी भी एक मोल ही लगना चाहिए, तो वैसे ही अगर आपका 0.1 मोल इथाइल एसिटेट है तो पानी भी 0.1 मोल ही लगना चाहिए। बट अब हम हमारे क्या बोलते हैं रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के खिलाफ जा रहे हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि अगर 0.1 मोल हमारा क्या बोलते हैं इथाइल एसिटेट दिया हुआ है, तो पानी भी 0.1 मोल ही होना चाहिए, क्योंकि एज पर स्टॉइचोमेट्री क्या होती है कि एक मोल इथाइल एसिटेट को एक मोल पानी लगता है। बट अब हम ये रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, रखना चाहिए था पानी 0.1 मोल, बट अब हम रख रहे हैं 10 मोल, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को हमने बढ़ा दिया है लगभग, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, 100 टाइम्स हो ही जाएगा, ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 100 या फिर 1000 टाइम्स होगा, ठीक है। ओके, तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, आपके हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में, ये एज अ कैटलिस्ट यानी कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, मान लीजिए मैंने एक वेसल ले लिया, इस वेसल में मैं कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने क्या डाला, 0.1 मोल आपका एस्टर डाल दिया, हो गया क्लियर, आपका 10 मोल वाटर भी डाल दिया, बट अभी तक मैंने स्टरिंग नहीं की है, तो कहने का मतलब है हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा, यानी कि जो एसिटिक एसिड है, क्योंकि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है तब हमने ये दोनों ऐड किए, ठीक है। ओके, और उस दौरान तक मैंने अभी तक, ठीक है, मैंने एसिड यानी कि HCl नहीं डाला है, ठीक है, दोनों मिक्स तो जरूर हो गए हैं, ठीक है, आपस में, बट रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला। ओके, तो और स्टरिंग भी स्टार्ट नहीं की, अंदर एक स्टरर डाला हुआ है, ठीक है, मैं मैग्नेटिक स्टरर का यूज करके इसको स्टर करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर आप रॉड से भी स्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो आपका प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो ये 0 मोल बना, ये भी 0 मोल बना। ओके, मान लीजिए अब मैंने ये स्टरिंग स्टार्ट कर दी, या फिर एक रॉड लिया उसे हिलाना स्टार्ट कर दिया, टाइम हो गया हमारा हाफ एन आवर, कितना हो गया हाफ एन आवर, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं कि टाइम टी, मान लो टाइम हो गया टी, उस टी को हम मान लेते हैं आधा घंटा। ओके, तो आधे घंटे बाद क्या होगा, सॉरी आधे घंटे बाद क्या हो रहा है। ओके, हाँ, एक चीज मैं यहां पे बोल रहा था, यहां पे पहचानना बहुत जरूरी है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, क्लियर हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट तब पिक्चर में आता है जब कोई भी रिएक्शन स्टोइकोमेट्री को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब खुद ही देख लीजिए कि अगर यहां पर इथाइल एसिटेट 0.1 मोल है, तो
वो रिएक्शन स्टॉइचोमेट्री ऐसी बोलती है कि अगर 1 मोल इथाइल एसिटेट है तो 1 मोल पानी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर 0.1 मोल इथाइल एसिटेट है तो 0.1 मोल पानी भी होना चाहिए, बट ये पानी एक्सेस में है तो कम कौन सी क्वांटिटी में, मतलब कम कौन है, फिर कम कौन है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.1 मोल है, तो यही डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कि एसिटिक एसिड और एथेनॉल कितने बनेंगे, ये डिसाइड नहीं करने वाला। ये तो बेचारा वैसे भी एक्सेस में, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यही डिसाइड करेगा कि इस इथाइल एसिटेट के साथ कितना पानी रिएक्ट होगा, क्लियर हो गया? ओके। और यही डिसाइड करेगा कि कितना एसिटिक एसिड फॉर्म होना चाहिए जब टाइम टी गुजर जाएगा। ओके, क्लियर? तो अब टाइम टी गुजर गया, मान लीजिए आधा घंटा है। ओके, मान लीजिए आधे घंटे में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मतलब इथाइल एसिटेट यानी जो एस्टर है पूरा कंज्यूम हो गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई। ओके, अब खुद सोचिए कि रिएक्शन स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है, कि 1 मोल इथाइल एसिटेट को 1 मोल वाटर लगेगा। हो गया क्लियर? तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर 0.1 मोल इथाइल एसिटेट रिएक्ट हो रहा है तो पानी लगेगा सिर्फ 0.1 मोल। हो गया क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 0.1 मोल पानी लग रहा है, हो गया? तो इस 10 में से आप 0.1 मोल माइनस कर दो। ओके, कितना बच जाएगा, 9.99 मोल बच जाएगा। तो हम टाइम टी बाद क्या लिख रहे हैं, तो जो 0.1 मोल जो था पानी वो तो रिएक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ पानी हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि हम टाइम टी यानी कि जब कुछ समय गुजर जाएगा, ठीक है, आधा घंटा गुजर जाएगा, मान लीजिए जो टाइम है वो आधा घंटा है। ओके, तो उस दौरान इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 0.1 मोल तो पूरा कंज्यूम हो गया। ओके, उसके हिसाब से लगने वाला जो पानी था 0.1 मोल जो मैंने यहां पर लिखा है वो भी कंज्यूम हो गया, बाकी बचा तो यहीं पर लिखोगे ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब उसी टाइम टी बाद एसिटिक एसिड कितना फॉर्म हुआ और आपका एथेनॉल कितना फॉर्म हुआ, तो इससे आप रिएक्शन स्टोइकोमेट्री भी सीख रहे हो। और अब मैं बताने वाला हूं सीधो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या हाँ, तो ये कैसे बन गया भाई, कैसे आ गया ये, आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर 1 मोल इथाइल एसिटेट को 1 मोल इथाइल एसिटेट 1 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल इथाइल एसिटेट 1 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, तो 0.1 मोल आपका इथाइल एसिटेट था वो कितना प्रोडक्ट देगा, 1 मोल को 1 मोल देगा तो 0.1 मोल को 0.1 मोल ही देगा। तो इसी वजह से यहां पे, सॉरी मैंने यहां पर 0.01 लिख दिया गलती से, यहां पे 0.1 है। ठीक है, ये भी 0.1 है। हो गया क्लियर? तो वैसे ही आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल इथाइल एसिटेट 1 मोल एथेनॉल देगा तो 0.1 मोल कितना देगा एथेनॉल, वो भी 0.1 मोल ही होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया? तो आपने देखा पूरी रिएक्शन के दौरान पानी की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हुई, हुई तो सही, देखो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब 10 मोल था, अब जब रिएक्शन हो गया है तो 9.99 मोल है, तो ये दोनों की वैल्यू लगभग सेम है, लगभग सेम है। वैसे तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना चाहिए, देखिए हाँ मैं लिखता हूं, वैसे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्चुअली में लेना मेरे को पानी जो था वो पॉइंट कितना 1 मोल ही था, बट मैंने तो एक्सेस ले लिया, इतना एक्सेस ले लिया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, और इस 0.1 मोल के साथ 0.1 मोल पानी रिएक्ट जरूर हुआ है, बट बाकी बचा हुआ पानी 9.99 मोल है। तो हम बोल सकते हैं पानी की क्वांटिटी में रिएक्शन होने के बाद भी कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं आया, लगभग जो इनिशियल थी उतनी ही है। देखिए ये बची हुई क्वांटिटी कितनी है, लगभग इसी के बराबर है। आप देख लीजिए 9.99 मोल कितना होता है, 10 मोल ही होता है लगभग। ओके, तो हमने देखा कि जो रेट जो था, ठीक है, वो कैसे लिखा जा सकता है, वैसे के डैश ये रेट कॉन्स्टेंट है और यहां पर आप हमेशा कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एस्टर की CH3 COOC2H5 यहां पे लिखा और पानी भी लिखा। हो गया क्लियर? वैसे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये रेट कांस्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है एस्टर की यानी कि इथाइल एसिटेट की, ये कॉन्सेंट्रेशन है पानी की, तो आप देखेंगे पानी की क्वांटिटी में तो वैसे ही कुछ चेंज नहीं हुआ, ये तो एक कांस्टेंट था। ओके, तो ये भी एक कांस्टेंट ही रह गया है, समझ में आ रहा है? मैं इसको कांस्टेंट इसलिए चूज कर रहा हूं यानी कि ले रहा हूं क्योंकि पानी की क्वांटिटी में, पानी की कॉन्सेंट्रेशन में बोल सकते हैं या पानी की क्वांटिटी में जरा भी चेंज नहीं आया रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि आप देख लीजिए इनिशियली 10 मोल थी, रिएक्शन होने के बाद भी 9.99 मोल है, तो लगभग ये कॉन्स्टेंट ही है। तो हमने क्या किया, इस कॉन्स्टेंट को ले लिया और इस कॉन्स्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो के डैश था ये के बन गया। हो गया, तो अब
यहां पर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन की कंडीशन को हमने इस तरह से अल्टर किया, इस तरह से चेंज किया है कि ये जो दिखने वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया है, यानी कि रिएक्शन बिहेव कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा। तो इसी वजह से इसको बोलेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये कैसे पहचानना है, जब कोई एक चीज एक्सेस में दी होगी। क्लियर हो गया? ओके, CH3COOC2H5 हो गया क्लियर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर मैंने के, देखो ये के डैश था, ये के, के को आप कैसे लिखा है, मैंने के को किससे रिप्लेस कर दिया, के डैश H2O की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, व्हाट डू मीन बाय सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही मैं एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का भी लिख देता हूं। हाँ, देखिए जैसे जैसे आपको रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप रिएक्शन हो रहा होगा, मान लीजिए मैंने यहां पर बताया भी आपको, सपोज ये पॉट था, इसमें एस्टर आपने डाल दिया ये वाला, प्लस पानी डाल दिया बहुत ज्यादा, ओके। तो जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक स्टरर ये घूम रही होगी, या फिर आप रॉड लेके घुमा रहे होंगे, आधा घंटा हो गया, तो मैं क्या कर रहा था एक्चुअली, मैं 5-5 मिनट में मैं सैंपल दे रहा था। ठीक है, तो 5-5 मिनट में सैंपल ले रहा था, दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो बनने वाला एसिटिक एसिड है ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा बनता जाएगा, ओके। तो मैं एक्चुअली में किसको मेजर कर रहा हूं, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहा हूं, और रेट फाइंड आउट कर रहा हूं कि क्या रेट से आपका ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। एक्चुअली में मैं एसिटिक एसिड को टाइट्रेट कर रहा था जो आपके रिएक्शन के दौरान बन रहा था। जितना लंबा समय होगा उतना एसिटिक एसिड बनता जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से मैं ये पता लगा लूंगा कि कितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो गया है जो आप एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ेंगे जब आप बीएससी केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एमएससी केमिस्ट्री में जाएंगे, या फिर ट्वेल्थ में भी हो सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल आई थिंक है ही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपका जो रेट है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्स्टेंट ही है, हो गया क्लियर, H2O की कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम जरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी देख लेते हैं, उसका भी मैं रीड लिख दूंगा फाइनली। ओके, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अभी केन शुगर में क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। सो योर केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, हो गया, तो ये हो गया केन शुगर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी से रिएक्ट करूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जो आप HCl से दे सकते हैं, बदले में आपको ग्लूकोज मिलेगा C6H12 होता है O6, ये हो गया ग्लूकोज। और याद रखिएगा फ्रक्टोज भी जो होता है, फ्रक्टोज आपको ज्यादातर फ्रूट्स में मिल जाएगा, जो भी आप खाते हैं, जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं वो जो मीठा होता है वो इसी फ्रक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क है। ओके, दिस इज योर फ्रक्टोज, तो ये हो गया। तो रेट जो मैं लिखूंगा पानी पे डिपेंड नहीं करता, तो रेट इज इक्वल टू के एंड योर कॉन्सेंट्रेशन इज C12H22O11। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू रेट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।